जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ में जो चित्रा की बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग 7.1 अर्थात आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का आज से सेकेंड बुक स्टार्ट। हम लोगों ने फर्स्ट बुक को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा हम लोगों ने। MCQ भी कर लिया है हम लोगों ने, उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे सब डाउट क्लियर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने भी फर्स्ट बुक पढ़े होंगे। हम लोग आज से पढ़ेंगे समाकलन। दोस्तों आपको बता दें समाकलन जो है ये अवकलन का उल्टा है, इसीलिए इसको प्रति अवकलज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति अवकलज। प्रति अवकलज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अवकलन का उल्टा है। अगर आप लोगों ने 5.3 से, क्योंकि 5.1 5.2 में अवकलन ही है, लेकिन क्या है उसमें कि हम लोगों ने उसमें सतत असत के बारे में पढ़ा था, लेकिन 5.3 से कंटिन्यू लगातार लगभग समथिंग 5.13 तक हम लोगों ने किए होंगे एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने अवकलन के बारे में अध्ययन किया है, मस्त अवकलन अध्ययन किया है। अगर आप लोगों ने अवकलन के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया ना, तो समाकलन आपके सामने कुछ भी नहीं है, बस उसका उल्टा। उसका उल्टा आपको बता दें कि इसमें हम लोग फार्मूले जो भी यूज़ करेंगे, आप लोग कापी पेन बुक लेके बैठिए और साथ साथ सॉल्यूशन करते भी चलना। कैसे? जैसे हम क्वेश्चन लगा देते हैं, क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगने के बाद उसको सीखने के बाद आप लोग वीडियो को कर दोगे स्टॉप और वहाँ से खुद चालू हो जाओगे लिखना, सॉल्यूशन करना। जहाँ पर नहीं आएगा वहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या हुआ, सर ने क्या बताया, देख लो। पहला फार्मूला x^(n)(dx), जो भी घात है उसमें एक जोड़ देंगे वही बटे में लिखेंगे प्लस सी। प्लस सी क्या है? कॉन्स्टेंट। समाकलन कॉन्स्टेंट, समाकलन का अचर। मतलब सी के बहुत सारे मान हो सकते हैं, सी के बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन जो भी मान होंगे सब अचर होंगे। क्या होंगे? अचर, ठीक है। जैसे आवश्यकता के अनुसार सी की जगह लॉग सी ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार सी की जगह एक ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार सी की जगह पाँच ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार सी की जगह जीरो भी ले सकते हैं। सी की कोई एग्जैक्ट मान नहीं है। सी को मतलब होता है समाकलन कॉन्स्टेंट, मतलब ये होता है आपके पास समाकलन अचर, मतलब इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं हम लोग। ई की पावर एक्स का चाहे समाकलन हो चाहे अवकलन हो, मारो उठा के पटक दो उसको, ई की पावर एक्स ही होता है। e की घात -x का समाकलन अवकलन दोनों ही -e की पावर -x होता है। a की पावर x dx, इसका समाकलन a की घात x log बेस ea प्लस c, ये समाकलन का सिंबल है। ये 1/x dx, ये log x प्लस c, log का 1/x होता है, आप लोग पढ़ के आए हो। sin x का cos x, लेकिन इसमें -cos x, cos x का sin x, sec² x का tan x, sec x tan x का होता है sec x, cosec² x का होता है -cot x, cosec x cot x का -cosec x, 1/√1 − x², ये sin इनवर्स x प्लस c, प्लस c लिख लेना है पर, अगर ये माइनस में है तो cos इनवर्स x प्लस c, हमने यहाँ पर माइनस दे दिया, कोई बात नहीं। ये होता है tan इनवर्स x, अगर ये माइनस में हो तो cot इनवर्स x हो जाएगा, या -cot इनवर्स x कर दोगे इसको cot बनाना है तो। ये sec इनवर्स x, अगर आपको कॉसेक बनाना है तो माइनस कर देना। इतने फार्मूला हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, बाकी जो लॉग फॉग का फार्मूला वगैरह है ना वो सब हम लोग 7.2 में अध्ययन करेंगे, ठीक है। 7.1 में हम लोग इतने फार्मूले से इसको एकदम से खलास कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? ध्यान रखना एक चीज, समाकलन अवकलन का उल्टा है। समाकलन में हम लोग छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में ज्ञात कर लेते हैं, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को बिखरे हुए भाग को, कोई चीज़ बिखरा हुआ है उसके एक एक कण के बारे में ज्ञात करना समाकलन कहलाता है। समाकलन कर लेना, समाहित कर लेना, ठीक सभी को। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में है 3e की पावर x, फिर -1/5x, फिर प्लस sec x tan x, प्लस sec x tan x। सबसे पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखना, समाकलन को हम लोग i के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर? i बराबर। i का मतलब इंटीग्रेशन समाकलन। अब इसको समाकलन के फॉर्म में बदल लो, ये अच्छा रहे, इसको बाहर रखो। e की पावर x dx, माइनस 1/5 को बाहर रखो, 1/x dx, प्लस ये हो जाएगा sec x
टेन एक्स डी एक्स, डी एक्स समाकलन। अब देखो यहाँ पर आप लोग को बता दे कि थ्री को थ्री, ई की पावर एक्स का समाकलन ई की पावर एक्स, एक बटे पाँच, एक बटे एक्स का समाकलन आपके पास होता है लॉग एक्स। कहाँ गया भाई साहब ये भाई साहब यहाँ पर छिपा हुआ है पाँच नंबर पे, लॉग एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स, ये भाई साहब कहाँ पर है, ये भाई साहब यहाँ पर है, तो ये हो गया सेक एक्स प्लस सी। ले आंसर हो गया। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आना, इतना सरल ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, केवल कहोगे हाँ सिंपल है, बहुत सिंपल नहीं, वेरी सिंपल नहीं, ओनली सिंपल बस कह सकते हो। हाँ दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि दो की घात यक्स प्लस तीन की घात यक्स बटे पाँच की घात यक्स। सबसे पहले तो इसको समाकलन कॉन्स्टेंट्स में चेंज कर लो, समाकलन कॉन्स्टेंट्स मतलब समाकलन कॉन्स्टेंट्स बता रहे हैं, समाकलन में चेंज कर लो। तो इसको आई के बराबर लिखो। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको दो की घात यक्स बटे पाँच की घात यक्स प्लस तीन की घात यक्स बटे पाँच की घात यक्स कर सकते हैं, ठीक। अब इसको ऐसे कर सकते हैं आई बराबर, ठीक, दो बटे पाँच की होल घात यक्स डी एक्स, दोनों की घात सेम है ना, प्लस तीन बटे पाँच की घात यक्स डी एक्स। अब देखो ए की घात यक्स का होता है ए की घात एक्स लॉग ए प्लस सी, बेस ई डालो ना डालो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर आप लिखोगे दो बटे पाँच की घात यक्स लॉग, यहाँ पर दिखेगा नहीं आप लोगों को, यहाँ लिख देते हैं दो बटे पाँच की घात यक्स बटे लॉग ए, ए का मान हो गया आपके पास दो बटे पाँच, दो बटे पाँच प्लस ये हो जाएगा तीन बटे पाँच की घात यक्स बटे लॉग, ये हो जाएगा तीन बटे पाँच प्लस सी। यहाँ पर आपको बता दें अवकलन में भी पढ़ चुके हैं फिर भी समाकलन में पढ़ाएंगे हम लोग, लॉग यम बटे यन जो कि फार्मूला है लॉग यम माइनस लॉग यन, भली भांति परिचित है हमारे ओल्ड स्टूडेंट जो कि देख के आ रहे हैं फाइव पॉइंट, और डायरेक्टली जो इस वीडियो में जुड़े हैं वो जान चुके हैं कि ये ऐसा होता है, ठीक है। बाद में ये तो हम लोग पीछे पढ़ के आए। यहाँ पर पाँच की घात यक्स, पाँच की घात यक्स यानी एक बटे पाँच की घात यक्स ये ले लो कॉमन, यहाँ बचा दो की घात यक्स बटे इसको लिखोगे लॉग एम बटे एन के अनुसार लॉग दो माइनस लॉग पाँच प्लस ये हो जाएगा तीन की घात यक्स बटे लॉग तीन माइनस लॉग पाँच प्लस सी। आंसर हो गया है आपका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा, तीसरा तीसरे को देखो, ई की घात लॉग एक्स, ई की घात लॉग एक्स बटे एक्स, माट डालो ना डालो कोई दिक्कत नहीं आता, माट का मतलब होता है प्लस में, ठीक है। और माट का एग्जैक्ट जो मान है हम लोगों ने 5.1 5.2 में जान लिया है। हाँ यहाँ से एक आप लोग फार्मूले से परिचित करा देते हैं, हम लोग फार्मूले से परिचित हो जाना। ई की घात लॉग एक्स का मान होता है यक्स, क्या होता है यक्स। तो यहाँ पर आई बराबर, आई बराबर ये हो जाएगा यक्स बटे यक्स, इससे कैंसिल तो ये हो जाएगा वन डी यक्स। दोस्तों ये तो हमने बताया नहीं यहाँ पर आपको फार्मूला, बता देते हैं ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर, वन डी एक्स का समाकलन यक्स होता है, क्या होता है यक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास यक्स प्लस सी, दैट्स प्रूफ, आंसर हो गया। देखो देखो चौथा नंबर, चौथा नंबर देखो ई की पावर लॉग, ई की पावर लॉग नहीं ये लॉग एक्स, ए लॉग एक्स प्लस ई की पावर, दोस्तों सबसे पहले ऐसा है कि ई की पावर एक्स लॉग ए प्लस ई की पावर ए लॉग एक्स प्लस ई की पावर ए लॉग ए, ए लॉग ए। देखो
पीछे आप लोग पढ़ चुके हो, फिर भी आपको बता देते हैं कि log m की घात n, ये होता है n log m, परिचित हो ना। तो उस फार्मूले के मुताबिक हम लोग यहाँ पर लिखेंगे e की घात log a की पावर x, ठीक, प्लस e की पावर log x की पावर a, प्लस e की पावर log a की पावर a। e की पावर e की घात log x का होता है x, तो ये हो जाएगा आपके पास i बराबर समाकलन में a की घात x dx प्लस x की घात a dx प्लस a की घात a, और ये हो जाएगा 1 dx। 1 dx 1 कर सकते ना, एक के साथ गुणा करो वही रहेगा। अब यहाँ पर a की घात x का समाकलन a की घात x बटे log a प्लस ये हो जाएगा आपके पास जो भी घात है इस फार्मूले के मुताबिक, जो भी घात है उसमें एक जोड़ दो वही बटे में रखो, और प्लस ये हो जाएगा a की घात a और x प्लस c। बस आंसर। क्वेश्चन नंबर पाँच, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में पता है कि कहीं समाकलन से डर ना लगे आप लोगों को। आराम से देखो, मस्त तरीके से देखो, सॉल्यूशन करते करते चलो, जिससे कि आप लोगों को मस्त समझ में आए। पाँच में एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक हम लोग मैजिक करने वाले हैं। मैजिक क्या जानते हो? आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर वन प्लस एक्स स्क्वायर है। काश अगर ऊपर भी वन प्लस एक्स स्क्वायर होता तो हम लोग काट देते। तो काश, क्या मैथ ने पहले से कह के रखा तो है हमारे पास कि वन जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ कर सकते हो, मान सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। लेकिन हाँ, उन्होंने शर्त लागू कर दिया, जोड़ोगे तो घटाओगे, गुणा करोगे तो भाग करोगे, भाग करोगे तो गुणा करोगे, घटाओगे तो जोड़ोगे। ये है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर में तो हमारे पास है अंश में, तो अंश में एक जोड़ने व घटाने पर, तो हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो, एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा लिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर। हर को अलग अलग कर लो, कैसे? वन प्लस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये कटकर हो गया वन, ठीक। अब ये आई बराबर ये हो जाएगा वन डी एक्स माइनस एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आई वन डी एक्स का समाकलन एक्स माइनस ये समाकलन, ये देखो टेन इनवर्स एक्स का होता है ये, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। बस आंसर हो गया। अब आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। केवल स्क्रीनशॉट मत लेते रहना, कुछ बच्चे हमारे क्या करते हैं जानते हो, कुछ स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हैं बस उसको नोट करते रहते हैं, ऐसा नहीं करना, समझना भी है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर छः में है कॉट स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स, और अथवा में जो दिया है वो तो हम ला ही देंगे, कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहली बात तो ये है, जो कॉट एक्स है ये होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक, चेंज कर लो। तो ये हो गया आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स, कौन सा कॉस एक्स, ये इससे ये घात कैंसिल, तो ये हो गया कॉस एक्स बटे, इसको लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन एक्स। देखो ये तो ला दिया हम लोगों ने ना, अब कॉस एक्स बटे साइन एक्स, यहाँ पर इसको आई बराबर लिखो, इसको समाकलन लिखो, एक बटे साइन एक्स ये होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक्स बटे साइन एक्स ये होता है कॉट एक्स डी एक्स। दोस्तों अभी हमने फार्मूला बता दिया, कॉसेक्स कॉट एक्स, ये माइनस कॉसेक एक्स का समाकलन है दोस्तों, और आंसर आ गया। ये काहे का समाकलन है? ये आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी का समाकलन है। देखो क्वेश्चन नंबर सात,
ये है आई बराबर, हम आपके पास इसको लिख रहे हैं टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कभी भी इसको गांठ बांध के रख लो, कभी भी टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है, ठीक है। इसको जब भी कभी भी अगर टेन स्क्वायर एक्स है तो उसको यही फार्मूले में तोड़ोगे कहीं पर भी पूरे समाकलन में। ध्यान रखना कि आई बराबर यह सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक। ये किसका फार्मूला है? टेन स्क्वायर एक्स का। तो आई बराबर यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन हो गया है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपके पास टेन एक्स, और माइनस एक्स का होता है सी प्लस सी, एक्स का वन का होता है एक्स और प्लस सी, फिर से एक बार सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, इसका एक्स, और समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी आंसर, ठीक है। सवाल नंबर सात, सवाल नंबर आठ देखो, आठ में है कि आठ में क्या है, कॉटेक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, कॉटेक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहली बात तो ये कि इसका होल स्क्वायर खोलो, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉटेक्स टेन एक्स। यहाँ पर समझना, यहाँ पर आपको समझना है कि कॉट एक्स ये होता है एक बटे टेन एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स ये होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और टेन स्क्वायर एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ध्यान रखना कि कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर दोनों का समाकलन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसको तो आप लोग क्या करोगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और इसको लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और माइनस दो, ये कॉटेक्स हो जाएगा एक बटे टेन एक्स इंटू टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, तो ये आ गया अब इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक और एक दो और दो चार, तो माइनस चार वन डी एक्स, ठीक। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कॉसेक स्क्वायर एक्स ये माइनस कॉट एक्स का फार्मूला है, और प्लस सेक स्क्वायर एक्स ये टेन एक्स का फार्मूला है, माइनस चार ये हो गया एक्स का फार्मूला है, प्लस सी समाकलन कॉन्स्टेंट प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर नौ, नौ में क्या है, नौ में है वन अपान वन प्लस कॉस एक्स, वन अपान वन प्लस कॉस एक्स। एक चीज ध्यान रखना, ऐसे कंडीशन में कॉस के साथ कभी भी एक होने पर या तो एक को काटो या तो फिर अंश व हर से करो, या वन नीचे अगर वन प्लस साइन एक्स या वन प्लस कॉस एक्स या वन माइनस साइन एक्स या वन प्लस कॉस एक्स होने पर भी अंश व हर से करोगे, वन प्लस साइन एक्स होने पर भी अंश वर्ष करोगे, वन माइनस साइन एक्स होने पर भी अंश वर्ष करोगे, वन प्लस साइन एक्स होने पर भी अंश व हर से करोगे। कैसे करोगे बाकी तो हम बता ही रहे, देखो अंश व हर में वन माइनस कॉस एक्स का क्या करोगे गुणा, तो यह आ जाएगा आपके पास वन माइनस कॉस एक्स, ये ऊपर गुणा कर लिया हम लोगों ने, और नीचे वन प्लस कॉस एक्स और वन माइनस कॉस एक्स। अब एक चीज़ का फार्मूला यहाँ पर ध्यान रखना कि वर्गांतर का, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स बटे, ये हो जाएगा वन माइनस, वन का स्क्वायर ना लिखो, वन का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया वन माइनस कॉस एक्स बटे, ये फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स। अब एक ही हर होने पर, सिंगल हर होने पर हर को अलग अलग कर लिया करो, कैसे, अब समाकलन में आ जाओ, एक बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिखोगे डी एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको लिखोगे आप लोग साइन एक्स दो बार डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस,
एक बटे साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, और ये कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ पर समाकलन करना है, कॉसेक स्क्वायर एक्स समाकलन है माइनस कॉट एक्स का, और ये कॉसेक कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, तो ये जगह प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया 10 नंबर। 10वें नंबर में क्या है, 10वें नंबर में वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स, वन अपॉन वन माइनस कॉस टू एक्स। एक चीज़ का ध्यान रखना, कॉस टू एक्स के साथ अगर कभी वन हो तो वन को कैंसिल कर दिया करो, किस फार्मूले से ध्यान रखना। यहाँ पर फार्मूला यूज़ करोगे कॉस टू एक्स, ये होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर कॉस टू एक्स माइनस में है तो ये फार्मूला, अगर ये प्लस में है तो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन लगाओगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे वन अपॉन वन माइनस, माइनस होने पर इसका अंदर गुणा होगा तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस और ये प्लस, टू साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल। अब समाकलन बदल दो, चलो एक बार लिख लेते हैं, एक बटे दो साइन स्क्वायर एक्स, और एक बटे साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन में एक बटे दो को बाहर रख लो, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक बटे दो कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी, बस आंसर। ये हो गया आंसर 11 नंबर। देखो 11 नंबर में क्या है, अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स, अंडर रूट वन माइनस कॉस टू एक्स। दो वन माइनस कॉस टू एक्स को हल करने पर हमें मिला था टू साइन स्क्वायर एक्स, तो इतना आप लोग जानते हो कि ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स, देख लो। तो इसको लिख सकते हो अंडर रूट दो साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का कभी भी समाकलन नहीं होता है दोस्तों, लेकिन एक चीज, ये अंडर रूट से निकल जाएगा तो फिर केवल साइन एक्स बचेगा। तो इसको लिखोगे आप लोग अंडर रूट दो साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट दो कॉस एक्स प्लस सी, बस 11वें नंबर का आंसर हो गया। अब देखो सवाल नंबर 12, 12वें नंबर में है अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स, अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स। एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर साइन टू एक्स के साथ वन हो, कॉस टू एक्स के साथ अगर वन हो तो उसको काटो, और साइन टू एक्स के साथ वन हो तो उसको खोलो। किस फार्मूले से खोलोगे आपको बताते हैं, आप लोग ये फार्मूला लगाओगे, वन बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला आप लोग जानते हो कि साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पर ये हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन में डाल दो उसको, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आई बराबर ये साइन एक्स और प्लस ये कॉस एक्स डी एक्स, तो आई बराबर साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स समाकलन, और प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, बस आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ले लो इतने का स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम टू सेम ही है। देखो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस साइन टू एक्स, ये तो एकदम सिंपल है। देखो अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा है कि 12 नंबर में कि इसको तो वही लिखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये भी क्या निकला था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, पूरा का पूरा कटने के बाद एक, और एक का समाकलन होता है एक्स प्लस सी। बस आंसर हो गया इसका 13 नंबर। 14 नंबर में क्या है, 14 नंबर में है कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स बटे अंडर रूट वन प्लस साइन टू, वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कॉस टू एक्स का एक फार्मूला है, कॉस टू एक्स का पहला ही फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पर आप लोग जानते हो कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको खोलना में पता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स निकलेगा, तो इसको आपकी बार कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें वर्गांतर लगा दो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक कोष्टक में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये कैंसिल। तो यहाँ पर कॉस एक्स का होता है साइन एक्स समाकलन, और साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 15 में है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का अवकलन नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में आप लोग एक फार्मूला यूज़ करोगे, कौन सा फार्मूला, कॉस टू ए का ही फार्मूला यूज़ करोगे, तो कॉस टू एक्स बराबर होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। अब देखो इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर वन को इधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर, रुक जाओ, यहाँ पर अगर टू नहीं लिखोगे तो यहाँ पर बाई टू लिखोगे, ठीक, ये तो यहाँ पर हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू बराबर वन प्लस कॉस एक्स, इसको बटे में पहुँचा दो तो टू कॉस नहीं कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू बराबर वन प्लस कॉस एक्स बटे दो। अब समाकलन करो, इसके जगह आप लोग क्या लिखोगे, एक बटे दो बाहर कर लो, वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, एक बटे दो, वन का होता है एक्स और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर रख लो या अंदर गुणा कर लो, तो जगह एक्स बटे दो प्लस साइन एक्स बटे दो प्लस सी, दोनों ही आपके पास आंसर है। जो आंसर पसंद आ जाए उसी आंसर को रख लेना, कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। कभी भी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि सेम सेम मान ऊपर नीचे हो और प्लस माइनस का अंतर हो तो हम लोग अंश व हर से करते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि अंश व हर में सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा करने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और गुणा भी कर रहे हैं हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स बटे ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, गुणा कर रहे हैं हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ पर देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर, नीचे हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर समझना आप लोग कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये होता है एक, क्या होता है एक, तो ये हो गया एक। अब यहाँ पर इसका दोस्तों होल स्क्वायर खोल लो, ये तो एक हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी, तो टू सेक या एक्स टेन एक्स डी एक्स। यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखो,
टेन स्क्वायर एक्स को कौन से फार्मूले तोड़ोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब इसका समाकलन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, इसको दो बार है दो टेन एक्स लिख लो, इसका होता है एक्स और प्लस दो ये होता है सेक एक्स, टेन एक्स होता है सेक एक्स प्लस सी, बस समाकलन कर दिया आंसर आ गया। अब देखो सत्रह नंबर, सत्रह में क्या है, सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब आप लोग देख पा रहे हो कि ऊपर नीचे अगर इसका गुणा करते हो अंश व हर्ष करते हो तो फिर से ये एक बनेगा, तब लोग अंश व हर्ष करोगे कि अंश व हर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स का गुणा, ठीक, गुणा करने पर तो ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स और नीचे वर्गांतर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो कि होता है एक। अब इसका समाकलन के फॉर्म में तोड़ लो, अंतर गुणा करो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ये समाकलन है टेन एक्स का और ये समाकलन है सेक एक्स का प्लस सी, बस इसका आंसर हो गया ये। अब देखो 18 नंबर, तो वन शॉट वीडियो है, आपको पता है कि एक एक शॉट में पूरे पूरे प्रश्न खत्म कर देते हैं, चाहे वो आपके एक घंटे का बने, चाहे 30 मिनट का बने और चाहे दो घंटे का बने चाहे ढाई घंटे का बने। 18 नंबर है वन अपान वन प्लस साइन एक्स, वन अपान वन प्लस साइन एक्स, याद तो है कि कभी भी वन प्लस साइन एक्स हो या वन प्लस कॉस एक्स हो अंश व हर से करते हैं, तो इसमें भी अंश व हर में करेंगे, नीचे वाले का उल्टा गुणा, अगर प्लस में है माइनस में, माइनस में है तो प्लस में गुणा करेंगे, तो वन माइनस साइन एक्स बटे वन माइनस साइन एक्स का गुणा कर लिया, ऊपर हो गया ये वन माइनस साइन एक्स, नीचे वन माइनस साइन एक्स का ये वर्गांतर तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर दोस्तों चलो लिख देते, आप लोग जानते हो वन माइनस साइन एक्स और ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही हर होने पर अलग अलग कर लिया करो। अब समाकलन में एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स एक बटे कॉस स्क्वायर एक्स, फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस ये हो गया एक बटे कॉस एक्स सेक एक्स और साइन एक्स बटे कॉस एक्स ये होता है टेन एक्स प्लस डी एक्स। अब समाकलन में ये समाकलन किसका है टेन एक्स का, माइनस सेक एक्स टेन एक्स, ये समाकलन किसका है सेक एक्स का प्लस सी, बस आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो साइन स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है फार्मूला, हाँ तो फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक काम करो वर्गांतर लगा दो, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में वन प्लस कॉस एक्स और एक कोष्टक में वन माइनस कॉस एक्स बटे वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, वन प्लस कॉस एक्स ये कैंसिल, तो वन का समाकलन होता है एक्स, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी, बस इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। 20वां नंबर यानी लास्ट नंबर, अब देखो लास्ट नंबर है, फिर भी अगर आपके बुकों के अकॉर्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसको प्रोवाइड कर देंगे, इस बुक के अनुसार 20 क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखो कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस टू एक्स बटे बटे वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो इसको आप लोग
कैसे करोगे? तो इसको जो है आप लोग पहले इस कॉस टू एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के फॉर्म में तोड़ो। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कॉस एक्स, माइनस होने पर इधर वाले चिन्ह को बदल दोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो, इसके बटे में वन प्लस वन माइनस कॉस एक्स और इसके बटे में वन माइनस कॉस एक्स। ठीक, यहाँ पर देखो इसमें कॉस एक्स ले लो कॉमन, तो माइनस कॉस एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा आपके पास ध्यान रखना केवल कॉस एक्स कॉमन ले लो। कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो वन माइनस कॉस एक्स बटे ये हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग समाकलन कर चुके हैं डायरेक्टली, तो इसको हम समाकलन में ही बदल देते हैं। समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन। अब ध्यान रखना इसका पूरा का पूरा समाकलन हमारे सामने ये दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक कोष्टक में वन प्लस कॉस एक्स, एक कोष्टक में वन माइनस कॉस एक्स बटे ये हो गया वन माइनस कॉस एक्स dx। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस वन का होता है एक्स, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस सी, दो बार है तो ये जगह दो साइन एक्स प्लस सी, नहीं दो साइन एक्स प्लस सी, बस ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने कम्प्लीटली 7.1 को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको डाल दीजिए, उसको प्रोवाइड कर देंगे। और कमेंट सेक्शन में आप एक्टिव हो कि नहीं अपने एक्टिव दिखाने के लिए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, जिससे कि हम मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।